सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, एक पोस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक क्षत्रिय लड़का है जिसका नाम है खुशवंत सिंह भाटी। उनको कुछ जातिवादी कीड़े जो हैं वो उनको घेर कर उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन जातिवादी कीड़ों के सामने हमारा भाई बिल्कुल भी नहीं झुका। इतने सारे लोग उनको पड़ गए थे, वो बेचारा अकेला था। तो भाइयों, बात दरअसल ये है कि रविंदर सिंह भाटी के लिए सबसे बड़ा सेंसिटिव इलाका था बायतू। बायतू में लगभग 40% जो कि एक जाति विशेष के लोग हैं, जिसकी जिम्मेदारी इस लड़ाके को दी गई थी। ये 24 साल के शख्स का है खुशवंत सिंह भाटी, जिसने अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाया। लेकिन शाम के समय हरीश चौधरी के समर्थकों ने इन्हें घेर लिया, दोनों हाथ पकड़कर इनके साथ मारपीट की। अन्य कोई और होता तो हाथ पैर जोड़कर रोने लगता, लेकिन इस लड़ाके ने अपने कुल के गौरव को कायम रखा। सैकड़ों लोगों के लाठी सरियों को सहन किया और ना जमीन पर गिरा और ना ही क्षमा मांगी। वीडियो देखी तो मेरा दिमाग खराब हो गया। इसने हमारे बाटी भाई पर, जिसने भगवान श्री कृष्णा जी के वंशज पर हमला किया, मन कर रहा है कि इनको बहुत कुछ बोलूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल रहा। लेकिन मैं अपने क्षत्रिय भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि इन गधों को सिर पर नहीं चढ़ाया करो। आपके चाहे 20,000 वोट है, इनके 80,000 है, लेकिन बहन चौधों के कभी भी गुलाम मत बनना, इनके नीचे नहीं दबना। एक क्षत्रिय 100 पर भारी है। इस लोगों ने हमारे भाई पर हमला किया, 50-60 लोगों ने। अगर भाई के साथ 5-10 लड़के और होते क्षत्रिय, तो इनको गाजर मूली की तरह काट देते, फिर उनको पता लगता कि क्षत्रिय क्या चीज है। जो इन्होंने कारनामा किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अपने बाहुल्य इलाके में, अपने गढ़ में जैसे काम करते हैं फुद्दू काम, अगर इनमें इतना ही दम है तो कहीं पर टाइम रखा करो ना, जहां पर सामने आमने सामने की टक्कर हो रहा बराबरी की। इन गधों को बोलना चाहता हूं, तुम बस झुंड में हमला करते हो, और क्षत्रिय कभी झुंड में हमला नहीं करता, वो सामने से टकराता है, सामने से एक ठोक कर टकराता है। तुम्हारी तरह कायरों की तरह 10-15 लोंडों को इकट्ठा करके हमला नहीं करता। और ना ये काम होते हैं क्षत्रियों के, क्षत्रिय चाहे अकेला चलेगा, लेकिन वो 10-10 से अकेला ही लड़ जाता है। लेकिन तुम बैंचो कायरों की तरह 20-50 लोंडे इकट्ठा करके तो हमला करते हो। बहुत ही गंदा काम है, घिनौना काम है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी।